जी साहब, अपन ने जो टमाटर पे दिया था जो थोड़ा बहुत बच गया था उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? हम वो ग्लोब जो बच गया था उसको छिटा था इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो इस पौधे पे पहले कैसा पौधा था? पहले तो ऐसे ही हो रहा था मरने जैसा। अच्छा अच्छा, लेकिन वो ग्लोब छाटने के बाद हाँ हाँ बहुत खतरनाक हुई है। दिखा सकते हैं आप इसके अंदर फूल कितने हैं? हाँ, दिखाइएगा जी। अब गिन के दिखा सकते हैं टमाटर कितना आ रहा है एक के अंदर? दिखा सकते नहीं? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक इसमें सात आ रहे हैं। हाँ, इस गोड़े में इसमें भी सात आ रहे हैं। अच्छा, दिखा सकते हैं कितने हैं? एक दो तीन, वापस बोलिएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आ रहे हैं। अच्छा, और दिखा सकते हैं आप कहाँ पे टमाटर ज्यादा आ रहा है? अच्छा जी, दिखा सकते हैं कितने टमाटर हैं इसके अंदर? एक दो तीन चार पाँच छः सात, और यहाँ पर फूल आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इधर अच्छे आ रहे हैं, सात सात का लूम है इसमें। अच्छा, सात सात का लूम है टमाटर का, और ये बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और आपका मतलब आप क्या चाहेंगे किसानों के लिए, क्या इस जैविक खाद का प्रयोग यदि अपन कहीं थोड़े से छोटे पौधे में भी कर दे तो क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है कि छोटे में कर दे तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाए, और ये पौधा भी अच्छा रहता है। अच्छा।